यू तो बिग बॉस के बाद इन कंटेस्टेंट को बहुत सारा काम मिलता है, ऐसे में कोई म्यूजिक वीडियो कर रहा है तो किसी के डेली सोप की खबर है, अंकिता ने बता ही दिया है, अभिषेक खतरों के खिलाड़ी कर रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है उसके बाद अब मनारा ने बड़ा खुलासा किया है। भाई मनारा और अभिषेक का गाना तो आपने देख ही लिया, उसका फर्स्ट लुक जो है आ ही गया है, यहाँ तक कि वो गाना मुन्नावर और मनारा को ऑफर हुआ था ये बात भी थी। लेकिन मनारा और मुन्नावर यानी कि जो मुन्नारा हैशटैग बना था वो साथ में कुछ ना करें ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो बहुत ही एक बड़ा अगर मैं कहूँ हैशटैग बन ही गया था बिग बॉस के घर के अंदर। तो इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है जहाँ पर अब मनारा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इस बात को क्लियर किया है कि उसका और मुन्नावर का, जी हाँ आपने सही सुना, उसका और मुन्नावर का एक गाना जो है वो आने वाला है। तो ऐसे में वो गाना जो है वो तो आने ही वाला था और इसके अलावा एकता कपूर की एक वेब सीरीज ऑफर होने की बात जो है अब मनारा ने कही है। जी हाँ, उसने कहा है कि उसको एकता कपूर की एक वेब सीरीज भी ऑफर हुई है और मनारा ने अगर इंटरव्यू में ये बात कही है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा हुआ ही होगा। तो क्या होगी ये वेब सीरीज और क्या मुन्नावर ये वेब सीरीज करेंगे, सवाल तो ये उठता है, क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों का अंदर बॉन्ड था, जिस तरीके से चीजें थी उसके बाद ये साफ नजर आया कि इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा जिसे कहा जाए ना जिसे अनकंफर्टेबलनेस भी नजर आने लग गई थी बाद में। तो सवाल यही है कि भले ही इस बात का दावा किया जा रहा हो लेकिन क्या वो वाकई में करते नजर आएंगे, क्या करेंगे क्या मुन्नावर और मनारा। ऑफर तो हुआ है, आपको याद होगा कि ब्रोकन वर्ड ब्यूटीफुल भी किया था सिद्धार्थ ने, इसके बाद निमृत के साथ एकता ने उसको ऑफर किया था, तेजस्वी को नागिन दिया। तो हर सीजन में कोई ना कोई जब बाहर आता है तो उसे एकता की तरफ से कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलता ही है, पर क्या ये दोनों करेंगे क्या साथ में, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।